Good morning, students. I'm your English teacher. Today we start new chapter, that is the caveman. About 5,246 years ago, there lived a caveman. He lived at the top of a lonely valley. Everywhere was lonely back then. करीब 5,146 साल पहले की बात है, एक गुफा में एक आदमी रहता था. वो एक सुनसान घाटी में रहता था और हर तरफ सन्नाटा रहता था. द केव मैन हैड अ बिग क्लब एंड फरी बूट्स एंड ही लाइक्ड रनिंग आफ्टर थिंग्स एंड फ्राइटनिंग देम. बेस्ट ऑफ ऑल, केव मैन वॉज नेस्टी टू एवरीवन ही मीट. इट डजेंट मैटर इफ द थिंग्स ही मेट वॉज बिग और स्मॉल, ही लाइक्ड टू गिव इट अ फ्राइट. ही लाइक्ड मेकिंग एज मच नॉइस एज ही कुड टू फ्राइटन अप थिंग्स अराउंड हिम. क्लब होता है हैवी स्टिक विद अ थिक एंड. इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी पर भारी वस्तु से प्रहार करने के लिए. एंड फरी बूट्स मतलब बहुत ही प्यारे जूते थे. उसे चीज़ों के पीछे भागना बहुत ही पसंद था और लोगों को डराना बहुत पसंद था. केव मैन वॉज नेस्टी. नेस्टी मीन्स वेरी बैड. ये जिससे भी मिलता था उनके लिए ये बहुत ही बुरा था. इसको डराना बहुत पसंद था. इसके लिए मैटर नहीं करता कि कोई भी चीज़ बड़ी हो या छोटी, ये हर किसी को डराता था. ही लाइक मेकिंग एज मच नॉइस. इसको ये बहुत ज़्यादा शोर करता था ताकि इसके आसपास जितने भी चीज़ें हैं वो सब इससे डरें. रार, अक्रा एंड ग्रा वर सम ऑफ हिज फेवरेट साउंड्स. ये सारी आवाज़ उसकी फेवरेट थी. एट नाइट द केव मैन केम बैक टू हिज केव. रात में वो केव मैन अपने गुफा में वापस आ जाता है. ही सैट बिसाइड हिज रोरिंग फायर एंड एट एज मच मीट एज ही कुड. फिर वो उसने फायर जलाया होता है, ये बुक में आपको दिख रहा है, तो उसके पास वो बैठता है और बहुत सारा मीट मतलब मांस खाता है. ही पेंटेड पिक्चर्स of himself on the cave and he felt very pleased indeed with himself. उसके बाद वो अपना चित्र बनाता है गुफा में ही और उसको बहुत ही अच्छा लगता है. वो खुद को बहुत ही प्रसन्न महसूस करता है, खुद के लिए बहुत ही अच्छा महसूस करता है. बट नो वन लाइक द केव मैन. पर कोई भी उस केव मैन को नहीं पसंद करता था. एवरी वन वॉज फ्राइटेंड ऑफ हिम एंड स्टेड अवे फ्रॉम हिम एज मच एज पॉसिबल. हर कोई उससे डरता था. सब जितना उससे दूर रहना चाहे, जितना कोशिश करते थे कि वो सब